तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके नवामसा चार्ट में तीसरे भाव में केतु स्थित हैं तो ये आपको क्या परिणाम देंगे। ऐसा केतु ये दिखाता है कि आपका जो स्पाउस होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करने वाला होगा और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। आपके साथ वो ज़्यादातर ट्रेवलिंग से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो स्पिरिचुअल बातें हों, चाहे आपके आपस में जो भी पर्सनल बातें हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहेगा। कई बार यहाँ पर आपको आपके स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है जिसको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन सी बात उनको कब बोलनी चाहिए। इसी तरह आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, वो कोई आपसे बात करेंगे तो वो बीच में बोलने की आदत उनको रहेगी और वो बीच बीच में आपके बोलते रहेंगे। ऐसे में आपका जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब करने का काम भी वो कर सकता है। ऐसा स्पाउस आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, वो कोई कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक के अगर केतु तीसरे घर में है तो उसका अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कम्युनिकेशन के मामले में संबंध उतना अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है संबंध। ऐसे जातक अपने स्पाउस के साथ बहुत सारी ऐसे ट्रेवल करते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती या फिर उनको बहुत ज़्यादा बिजी रखती है वो। तो ऐसे टूर आप ना करें जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा हो या आप खुद को बहुत ज़्यादा टूर करके थका देंगे, लेकिन आपको वहाँ भी मानसिक रूप से शांति नहीं मिलेगी या कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ये केतु की स्थिति दिखाती है कि आपका जो स्पाउस होगा उसका कम्युनिकेशन के फील्ड में इतना रुझान नहीं रहेगा और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा केतु की स्थिति ये भी दिखाती है कि आपका जो स्पाउस होगा उसमें कोई भी आर्टिस्टिक स्किल नहीं रहेगी या वो आर्टिस्टिक फील्ड में अगर काम भी कर रहा होगा तो उसको उतनी पहचान नहीं मिलेगी। केतु की इस स्थिति में आपके जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिनका विशेष कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। केतु की ये स्थिति में आप ज़्यादातर अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ केतु से संबंधित बातें यानी स्पिरिचुअल बातें या ऐसी कोई बातें जो बहुत ज़्यादा अकल्ट से जुड़े हुई हैं उनको आप शेयर करेंगे और आपका स्पाउस भी आपके साथ इसी तरह की बातें शेयर करेगा। आपके स्पाउस का आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, ये स्थिति हो सकती है। इस तरह का केतु आपको विदेश यात्रा बहुत सारी कराएगा, अंत में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है आपका जहाँ जन्म हुआ उस भूमि से। तो आपको जहाँ भी आपका जन्म हुआ वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे में आप चाहेंगे कि आपका स्पाउस और आप कहीं दूर की यात्रा करें, किसी दूसरे स्टेट में जाके रहें या फिर आप विदेश में जाके रहें, ऐसी स्थिति बन सकती है। केतु की इस स्थिति में आपको अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं तो आपको कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी आपकी मैरिज के बाद, और आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद सफलता मिले। केतु की इस स्थिति में आप कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन आपकी मेहनत आपके काम नहीं आएगी, या फिर आपका जो पार्टनर है वो भी कुछ ऐसा काम करेगा जो उसके कोई विशेष काम नहीं आएगा। ऐसे में आप कोई भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलने वाला। तो केतु कुछ इस प्रकार के प्रभाव देते हैं तीसरे भाव में जब वो नवामसा चार्ट में स्थित होते हैं।